गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर TSN क्लासेस। चैप्टर नंबर फर्स्ट, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, पार्ट फिफ्थ, एक्सरसाइज नंबर 1.5, पेज नंबर 36। वी विल स्टार्ट कंटिन्यू। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल मीनिंग और ऑब्जेक्टिव एंड देयर सिग्निफिकेंस। इंट्रामुरल मीन्स क्या होता है? द वर्ड इंट्रामुरल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इंट्रा एंड मुरलिस। इंट्रा मीन्स विदिन एंड मुरलिस मीन्स वॉल्स। इट मीन्स दैट द एक्टिविटीज विच परफॉर्म आर वेयर आर विच आर परफॉर्म विद इन द वॉल्स ऑफ विद इन द कैंपस और इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड इंट्रामुरल। इंट्रामुरल वो होते हैं जो स्कूल के अंदर या इंस्टीट्यूशन के अंदर चारों वॉल के अंदर जो स्पोर्ट्स या टूर्नामेंट होते हैं उसको इंट्रामुरल कहा जाता है। The activities, these activities are organized only for the student of our school or institution. ये activities किसके लिए होती है? School institution वाले students के लिए होती है। No other can be participate in this games intramural. ये only उनके लिए होती है जो school के बच्चे होते हैं, ताकि वो इसमें 100% participate ले सकें। और उससे there is so doubt that regularly physical education problem development habit क्या develop करती है? गुड हैबिट डेवलप करती है, स्किल्स डेवलप होते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मतलब जब बाहर टूर्नामेंट होते हैं तो उसमें 5% या 10% लोग ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं, और उससे सर्वांगीण हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना मुश्किल है। इसलिए इंट्रामुरल्स गेम्स करवाए जाते हैं फिजिकल एजुकेशन के थ्रू, जिससे कि क्या है, बच्चों का विकास हो सके और बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, ताकि उनका मेंटली, सोशली और फिजिकली ये इम्प्रूव हो सके। ओरिजिन ऑफ इंट्रामुरल्स, ओरिजिन ऑफ कहाँ से इसका जन्म हुआ है? इट इज़ वेल नोन दैट चिल्ड्रन हैव अ टेंडेंसी टू प्ले, इट इज़ एन इनिशिएटिव बोर्न इंस्टिंक्ट इन देम। दे यूज टेक पार्ट इन सच एक्टिविटीज विद इन द वॉल इन देयर स्कूल इन द एंशिएंट पीरियड ऑल्सो ड्यूरिंग द लेजर टाइम प्रोबेबली इट इज वॉज बिगनिंग इंट्रामुरल। इसका जो जन्म हुआ है वो USA से हुआ है, और इसकी जो मेन वो है, एक मोटो जो है वो है कि सभी बच्चे जो फ्री टाइम में जो बच्चे खेल, पहले भी ऐसे होता था कि जब फ्री रहते थे तब लोग बाग अपना गेम्स में टाइम स्पेंड करते थे। तो ये अभी भी सिस्टमेटिक वे वर टर्म्ड एज़ इंट्रामुरल। इन द USA द इंट्रामुरल और ऑर्गेनाइज इन 1864। आफ्टर दैट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी सम प्रोग्रेसिव फिजिकल एजुकेशन टीचर शोड इंटरेस्ट इन इंट्रामुरल एंड दे रियलाइज्ड दैट थ्रू इंट्रामुरल फिजिकल एजुकेशन कैन बी डेवलप मोर एक्सटेंसिवली। इन 1925 एवरी हाई स्कूल स्टार्टेड द मिशन टू एस्टेब्लिश इंट्रामुरल डेवलपमेंट इन द USA। एज अ रिजल्ट ऑफ सच फोकस डेवलपिंग इंट्रामुरल द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर नॉट कंसिडर्ड कंप्लीट वॉज वी लैक बिहाइंड इज फील्ड एज मैटर ऑफ द वेरियस रीजन द फेलियर ऑफ इंटरमोल टेकिंग ऑफ इंडिया। इससे क्या है कि लोग टीचर्स ने भी इंटरेस्ट दिखाया, मतलब जो फिजिकल कोचेस थे उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया और इंटरमोल कराने लगे, ताकि उससे क्या हुआ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो इस गेम में पार्टिसिपेट ले सके और उनका विकास हो सके। नेक्स्ट पेज है सिग्निफिकेंस ऑफ देयर इंट्रामोरल्स। क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रामुरल्स? इंट्रामुरल्स आर सिग्निफिकेंट ऑफ फॉर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट। किसके लिए काम आता है इंट्रामुरल्स? सोशली बच्चों में, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली डेवलपमेंट, इनका विकास होता है। जैसे फिजिकल फिट रहेगा, मेंटली अपसेट नहीं होगा, इमोशनली भावनात्मक तरीके से गेम के प्रति उनकी भावना जगेगी, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास होगा। दिस प्रोग्राम ऑल्सो ले स्ट्रेस ऑन मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट। ऐसे प्रोग्राम करके हम जो उनके नैतिक वैल्यूज़ है वो बढ़ा सकते हैं और उनको स्ट्रेस से दूर कर सकते हैं। इंट्रामुरल्स आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। थर्ड पॉइंट, इंट्रामुरल्स आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। इंट्रामुरल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बच्चों की हेल्थ मतलब शारीरिक विकास होता है, इसलिए दिस प्रोग्राम ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू टोन डाउन द फाइटिंग इंस्टिंक्ट ऑफ द स्टूडेंट। ऐसे प्रोग्राम करके हम जो बच्चों में जो गुस्सा है,
वो उसको कम कर सकते हैं ताकि वो गेम में पार्टिसिपेट करके उन्हें हरा सके, अपना जोश दिखा सके। दिस प्रोग्राम आर रिफ्रेश द चाइल्ड चिल्ड्रन एंड मेक देम एगेन, ऐसे प्रोग्राम करके हम बच्चों को चुस्त फुर्ती ला सकते हैं। इंटरमोडल प्रोवाइड मैक्सिमम रिक्रिएशन टू द स्टूडेंट, इंटरमोडल क्या करवाता है, प्रोवाइड क्या करवाता है, मनोरंजन प्रोवाइड करवाता है स्टूडेंट को अच्छे लेवल पे। दे प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम एंड स्पोर्ट, और काफ़ी एम्पल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है ताकि वो गांव में गेम में और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सके और उसे इंटरेस्ट आ सके। दे आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज अमंग द स्टूडेंट, और क्या क्या डेवलप्ड होती है, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप्ड होती है ऐसे गेम में पार्टिसिपेट करने की, कैसे आप किस टीम को लीड कर सकते हैं और कैसा आपका बिहेवियर उन पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरम्यूरल, अपन सीधे डायरेक्ट पॉइंट से बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम एंड स्पोर्ट्स, सबसे मेन मोटो क्या है इंटरम्यूरल गेम्स का, कि सब बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और उसमें अपनी परफॉर्मेंस दिखाकर और उसमें अपने इंटरेस्ट दिखाकर वो उस गेम को अच्छे लेवल पे पार्टिसिपेट करके अच्छे लेवल पे जाए, जैसे जोनल लेवल पे जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा सकते हैं, उससे क्या है कि उसका एक कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ेगा तो और उसमें इंटरेस्ट आएगा और वो गेम के प्रति अपने शो अपनी क्रिएटिव शो करेगा। टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़ अमंग स्टूडेंट, कैसे करेंगे लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे होगी, किसी टीम का मतलब आप कैप्टन बनना, किसी भी टीम जैसे कबड्डी का गेम का कैप्टन बनना, उसका आपका गुड बिहेवियर जो है वो पार्टिसिपेंट के प्रति आपका अच्छा एक व्यवहार बनाना, टीम को मैनेज करना, टीम को स्किल बताना और टीम से अच्छी टीम से आप खुद से पहले टीम को प्ले करने के लिए आगे लाना। ऑल थ्रू द ऑल द स्टूडेंट डू नॉट बिकम लीडर, इंटरमीडियट एक्टिविटी हेल्प इन डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज अमंग दोज स्टूडेंट हु हैव नो सम इनिशिएट क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, अदर स्टूडेंट डेवलप द क्वालिटीज ऑफ फॉलोवर्स। इसमें हर एक व्यक्ति को चांस मिलता है लीडरशिप क्वालिटी का। टू डेवलप कोऑपरेशन, कैसे कोऑपरेशन, किसी भी फील्ड में अपन स्पोर्ट्स एंड गेम में कि अपन कैसे बात करते हैं, कैसे गेम्स के प्रति गेम्स भाईचारा निभाना। वी कैन नॉट थिंक अबाउट विनिंग स्पेशली इन टीम्स की इफ द प्लेयर डू नॉट कोऑपरेट विद ईच अदर, अचानक अधिकतर ऐसा होता है ना कि हम कोई बाहर से टीम आती तो उससे हम लड़ लेते हैं या झगड़ लेते हैं ताकि अपनी टीम जीत जाए, या फिर और ऐसा अपन करके थोड़ा चीटिंग करके अपन टीम जीताने पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट आपका क्या है कोऑपरेशन, अच्छा बात ऐसा आप उसको रेस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर कोई स्कूल से टीम आती है गेम में पार्टिसिपेट करने तो अच्छे खेल की भावना से खेलना चाहिए ताकि आप एक अपनी एक छाप अच्छी छोड़ सको, और इससे क्या होता है कि एक अपनी बातचीत का एक रवैया चेंज होता है और अपनी दोस्ती यारी बदरूड ज़्यादा बढ़ता है। टू प्रोवाइड एजुकेशन, क्या करता है इंटरवल, सभी बच्चों को मनोरंजन प्राप्त करवाता है और एक एम्पल अपॉर्चुनिटी देता है नेक्स्ट कोई लेवल पे जाने के लिए गेम्स। स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन इंटरवल एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, हेंस दे गेट अ लॉट ऑफ जॉय फन ऑफ प्लेजर बाय पार्टिसिपेटिंग इन सच इंटरवल एक्टिविटीज। टू डेवलप फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैनशिप फीलिंग कैसे आएगी, टू डेवलपमेंट इन द अनदर विथल रोल ऑफ इंटरम्यूरल, स्पोर्ट्समैनशिप मीन्स टू शो रेस्पेक्ट एंड कॉर्टेसी टू ओपोनेंट्स एंड ऑफिशियल, कि एक तो एक ऑफिशियल के प्रति आपका एक व्यवहार कैसा होता है, एक स्पोर्ट्समैन के खिलाफ कैसा आपका व्यवहार रहता है, उससे क्या होता है कि एक आपका अगर आप जीतते हो किसी के सामने तो किसी को हराते हो और आपका बिहेवियर कैसा है, चिड़चिड़ा है कि नहीं है, या फिर आपका गुस्से वाला है, या आप लड़ाकू हो या कैसे हो, उससे आपका एक स्पोर्ट्समैनशिप की भावना से आपका एक देखा जाता है कि आपका नेचर कैसा है। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न अ वैरायटी ऑफ गेम एंड स्किल, इसमें एक तो ये होता है कि आप जिस गेम में इंटरेस्ट लेते हैं उसमें आपको स्किल और वैरायटीज़ देखने को मिलती है, हर बार चेंजेस आते रहते हैं तो उसमें आपको स्किल टैक्टिकल चीज़ें दिखाना। टू रेगुलर प्रोग्राम फिजिकल जिम प्रोवाइड द प्रीवियसली मेंशन अपॉर्चुनिटी टू बाय इंटरनल एक्टिविटीज़, प्रोवाइड एडिशनल अपॉर्चुनिटी टू अफेक्ट इन वेरियस गेम, इनफैक्ट स्टूडेंट गेट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन वेरियस टाइप ऑफ गेम, किसी गेम के बारे में नॉलेज देना, उस गेम को खिलाना और उसमें इंटरेस्ट लाना। इससे टू प्रोवाइड एन सेवन पॉइंट, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, एक तो इससे क्या होता है कि हम कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उनको भी इन चीज़ों की नॉलेज हो जाती है धीरे धीरे कि भाई टूर्नामेंट कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है,
उससे उनको एक वे मिल जाता है, एक मैप तैयार मिल जाता है उनके माइंड में कि हाँ हमारे स्कूल में ऐसा टूर्नामेंट हुआ तो मैं कभी फ्यूचर में कभी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूँ या फिर कोई मुझे मुझे कोई लीडरशिप का रोल मिले तो मैं इस चीज़ को और अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। टू आइडेंटिफाई टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन, अपन कैसे टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन कि पहले जोनल लेवल पे जो अच्छा खेला, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल पे, अगर इंटरनेशनल लेवल अच्छा खेला तो फिर अपन उसको कहाँ भेजेंगे, ओलंपिक्स में या फिर वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ऐसे आइडेंटिफाई होता है एक टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन की। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप पर्सनलिटी, अपन कैसे प्रोवाइड करेंगे डेवलप पर्सन अच्छा, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट डेवलप देयर पर्सनलिटी एंड ऑब्जेक्टिव इन इंटरनल एक्टिविटीज, दिस एक्टिविटी प्रोवाइड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डेवलप फिजिकल मेंटल सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनलिटी। कैसे कैसे अपनी चीज़ें डेवलप कर सकता है फिजिकली से और मेंटली सोशली इमोशनली, इन चीज़ों से स्पोर्ट से वो ये चीज़ें डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट पेज 39, एक्टिविटीज ऑफ कॉम्पिटिशन, एक्टिविटीज फॉर इंटरमीडियल कॉम्पिटिशन, एक्टिविटीज ऑफ इंटरमीडियल कॉम्पिटिशन में कौन कौन से गेम आते हैं जो मेनली एक्टिविटीज बेस्ड फॉर वेक्टर्स इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स एंड अवेलेबिलिटी इन फैसिलिटीज इन द इंस्टीट्यूशन और स्कूल्स। कौन कौन से आपके स्कूल में गेम्स प्रोवाइड है, जैसे वॉलीबॉल, मेजर गेम्स कौन से हो गए वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, माइनर गेम कौन से हो गए शटल रन, खो खो, सर्कल गेम्स, टैंग गेम, रोलर स्केटिंग, रिदमिक कौन से हो गए, लेजियम हो गए, डम्बल हो गए। तो ये चीज़ें आप स्कूल में खेल सकते हैं। मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा मूरल्स, द वर्ड एक्स्ट्रा मूरल्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, एक्स्ट्रा मूरल्स का मतलब ये होता है, एक्स्ट्रा मूरल्स मीन्स आउटसाइड, मुरलिस मीन्स वॉल आउटसाइड, जो अपन स्कूल के बाहर खेलते हैं, इंस्टीट्यूशन के बाहर खेलते हैं, कोई टूर्नामेंट होता है तो वो दूसरे स्कूल में अगर टूर्नामेंट कराते हैं तो अपन उस टीम में पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें क्या होता है जो अब जैसे अपन इंटरमीडियट में से जो अच्छे परसेंटेज मतलब अच्छी अच्छे लेवल पर जिसने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया और वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं तो उसमें से अपन अपनी टीम चॉइस करके चूज़ करके उस टीम को अपन मेंटेन करके दूसरे जब स्कूलों में टूर्नामेंट होते हैं तो अपन वही टीम जो अच्छे परफॉर्मेंस करती है उसको अपन भेजते हैं, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा मूरल। जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं एक्स्ट्रा मूरल्स आर फिक्स्ड वेल इन एडवांस, वो टूर्नामेंट क्या होते हैं वेल प्लान्ड होते हैं ताकि उसमें क्या होता है टूर्नामेंट में जैसे कि अपन परफॉर्मर भेजा जाता है उस बिहाव पे अपन खेलने के लिए जाते हैं कि भाई इस दिन को 3 तारीख को बैडमिंटन का मैच होना है, 4 तारीख को एथलेटिक्स का होना है या फिर 5 को क्रिकेट का होना है। तो उसमें एक फिक्सचर तैयार रहता है ताकि उसमें बच्चों को खेलने के लिए कंपटीशन प्रिपेयर करने के लिए टाइम मिल जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स्ट्रामूरल कॉम्पिटिशन क्या क्या है, सिग्निफिकेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्कूल टू शो देयर स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी, क्या कर सकता है ये कि अपने स्कूल को एक चांस देता है कि आपके बच्चे आपके स्टूडेंट अच्छा खेल के परफॉर्मेंस दे और उसको स्कूल का नाम रोशन करें, एनहांस द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और अपने स्पोर्ट्स को बढ़ाने का एक मौका दिया जाता है ताकि कंपटीशन होता है हर एक लेवल अच्छे लेवल पर कंपटीशन होता है। तो बच्चे स्टूडेंट में क्या होता है गेम्स में प्लेयर में ये होती है भावना कि मैं इसको डिफीट करूं या मैं इसको हराऊं और अगर हार जाता है तो फिर वो अच्छी मेहनत करके नेक्स्ट टाइम अपना स्टैंडर्ड सुधार के उसको गेम को जीता। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ स्पोर्ट टेक्निक और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अच्छी प्रोवाइड अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ स्पोर्ट टेक्निक की आप उसमें क्या मिलता है कि आपको एक्सटर्नल असिस्टेंस टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ न्यू टेक्निक ऑफ स्पोर्ट द टीम दैट आर नॉट फैमिलियर विद द अप्रोप्रिएट एज वेल एडवांस टेक्निक ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स एंड गेम कैन मे बी एबल सच नॉलेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग एक्सटर्नल स्पोर्ट टेक्निक मतलब कि दूसरी जगह जाओगे तो आप धीरे धीरे स्किल बढ़ते जाएंगे, न्यू टेक्निक ऑफ स्पोर्ट्स नए नए स्पोर्ट्स की टेक्निक चेंज करना कि आप बास्केटबॉल ड्रिबलिंग करते तो हाउ कैन यू ड्रिबल, हाउ कैन यू स्टार्ट, हाउ कैन यू स्टांस make some distance and you that are not family because इन सब चीज़ों में ये चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट।